सुप्रभात प्यारे बच्चों, सीवरेज सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से मैं अनुपमा सिंह आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपका हिंदी का क्लास है और आप हिंदी में सीख रहे हैं छोटे उ की मात्रा। क्या सीख रहे हैं? छोटे उ की मात्रा। तो आज हम छोटे उ की मात्रा से कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, कौन सा अभ्यास करेंगे? आज हम छोटे उ की मात्रा से अभ्यास कार्य करेंगे समान तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाओ। आज का आपका टॉपिक है समान तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाओ। तरफ शब्द लिखेंगे कुछ, अब दोनों सेट में से आपको समान तुक वाले शब्दों का जोड़ा बनाना है। पहले तो देखिए, ओके, दो क्लाउड बनाए हमने। अब इसमें हम कुछ शब्द लिखेंगे। पहला शब्द हम लिखेंगे पू जा री। पुजारी। अगला शब्द हम लिखेंगे घ। घ पे उ की मात्रा न, घुन। अगला शब्द लिखेंगे चू न मू न, चुनमुन। पुजारी, घुन, चुनमुन। अब हम अगला शब्द लिखेंगे कु टी या। कुटिया। अगला शब्द लेंगे गु ली या, गुड़िया। एक सेट में हमने इतने शब्द लिखे। ओके, अब अगले वाले सेट में कुछ शब्द लिख रहे हैं। मू रा मुरारी, मू न मू न, मुनमुन। दूसरा शब्द हमने लिखा मुनमुन। अब अगला शब्द हम लिखेंगे घू। घ पे छोटे उ की मात्रा न, घून। स, स पे छोटे उ की मात्रा न, शून्य। ओके, अगला शब्द लिखेंगे प। प पे छोटे उ की मात्रा पु री या, पुड़िया। अगला शब्द लिखेंगे ल। ल पे छोटे उ की मात्रा टी या, लुटिया। ओके बच्चों, अब आपको क्या करना है, समान तुक वाले शब्दों का जोड़ा बनाना है। समान तुक वाले शब्दों का जोड़ा बनाना है। इस सेट में भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इस सेट में आपको समान तुक वाले शब्दों का जोड़ा बनाना है। जैसे पुजारी, पुजारी का तुक क्या होगा? मुरारी। तो चलिए लिखते हैं। पहले लेते हैं पौ।
प पे छोटे उ की मात्रा जा री पुजारी, पुजारी का क्या हुआ मुँह, म पे छोटे उ की मात्रा मुँह रा री मुरारी। अगला शब्द घुन, पहले लिखते हैं घुन, घ, घ पे छोटे उ की मात्रा न, घुन। घुन का तुक वाला शब्द दूसरा, उसमें से बताइए क्या होगा, मुनमुन नहीं सुन, क्या लिखेंगे यहाँ पे सुन, स, स पे छोटे उ की मात्रा न, सुन, घुन सुन, पुजारी मुरारी। अगला देखिए चुन मुन, हम लिखेंगे चुनमुन, च, चपे कौन सी मात्रा लगी है बच्चों, चपे कौन सी मात्रा लगी है, चपे छोटे उ की मात्रा चु, न, म, म पे छोटे उ की मात्रा न, चुनमुन। अब चुनमुन के तुक वाला शब्द क्या होगा, ये देखिए मुनमुन, क्या है मुनमुन, हम लिखेंगे मुनमुन, म, म पे छोटे उ की मात्रा मु, न, मु, न, मुनमुन, चुनमुन, मुनमुन। अब देखिए क्या है कुटिया, हम लिखेंगे कुटिया, अगला शब्द कौन सा लिखेंगे कुटिया, क, क पे छोटे उ की मात्रा टी या कुटिया। कुटिया के तुक वाला शब्द कौन सा है, देखिए यहाँ पे सुन है, ये पुड़िया है नहीं है लुटिया, तो यहाँ पे लिखिए लुटिया, ल, ल पे छोटी उ की मात्रा लु, टी या लुटिया, कुटिया। लुटिया अब कौन सा बचा, गुड़िया, क्या बचा गुड़िया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम गुड़िया। ग, ग पे छोटी उ की मात्रा री या गुड़िया, क्या है गुड़िया। गुड़िया के समान तुक वाला शब्द कौन सा है यहाँ पे पुड़िया, तो हम लिखेंगे पुड़िया। प, प पे छोटी उ की मात्रा पु, री या पुड़िया। तो देखा बच्चों कैसे हमने छोटे उ की मात्रा वाले शब्द से तुक मिला के शब्द बनाए, दो सेट हैं, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इसमें से आपको तुक समान तुक वाले शब्दों को लिखना है, जोड़े बनाना है। तो जैसे पहला शब्द क्या है पुजारी, तो मुरारी, पुजारी के तुक वाला शब्द है मुरारी, मुरारी। घुन सुन, घुन का क्या है सुन। चुनमुन, चुनमुन का मुन, मुन। चुनमुन का क्या है मुन, मुनमुन, चुनमुन का हुआ मुनमुन। अब अगला देखिए क्या है कुटिया, कुटिया किस वर्ण पे लगी है बच्चों, छोटे उ की मात्रा क वर्ण पे कुटिया। कुटिया के समान तुक वाला शब्द क्या है बताइए, क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए, ल, ल पे छोटे उ की मात्रा लू,
कुट्टी या लुटिया, कुटिया लुटिया। ओके बच्चों, अब अगला देखिए क्या है, गुड़ी या गुड़िया। गुड़िया के समान तो कौन सा शब्द है, पुड़ी या पुड़िया। तो इस तरीके से समान तुक वाले शब्दों का जोड़ा बनाया जाता है। देखिए पूजा, पुजारी मुरारी, घुन सुन, चुनमुन मुनमुन, कुटिया लुटिया, गुड़िया पुड़िया। तो समझ में आया किस तरीके से आप समान तुक वाले शब्दों का जोड़ा बनाएंगे। आपको दो सेट मिले हुए हैं, दोनों सेट में कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनमें से आपको क्या करना था, समान तुक वाले शब्दों का जोड़ा बनाना था। तो इस तरीके से जोड़े बनाए, जैसे घुन सुन खुल घुल, इस तरीके से बनते हैं ना। तो आप क्या सीख रहे हैं, छोटे उ की मात्रा वाले शब्द क्या सीख रहे हैं, छोटे उ की मात्रा वाले शब्द सीख रहे हैं। और छोटे उ की मात्रा वाले शब्द में आज आपकी एक्सरसाइज थी समान तुक वाले शब्दों का जोड़े बनाइए। तो इस तरीके से आप समान तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाएंगे। यह कार्य आपको अपनी हिंदी कॉपी में लिखना है ना, साफ और सुंदर अक्षरों में। तो इस तरीके से आप जो छोटे उ की मात्रा सीख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, किस तरीके से बार बार आप छोटे उ की मात्रा का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे कि छोटे उ की मात्रा वाले शब्द कौन से होते हैं, छोटे उ की मात्रा का उच्चारण कैसे, सब छोटे उ की मात्रा के शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है, उनको लिखा कैसे जाता है। तो बच्चों आप खूब अभ्यास करिए और खूब लिखिए पढ़िए छोटे उ की मात्रा वाले शब्द। हम आपको अगले वीडियो में और एक्सरसाइज करवाएंगे। चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।